हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी भाई। स्वागत है रजनी राठी के ब्लॉग में। तो आज हमारे खेत में आलू लगाएंगे, तो आलू की जो है भाई फसल हम अगेती कर रहे हैं। कई दिन हो गए, जब पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा मैंने बताया था कि आलू का बीज ले आए थे, तैयार कर दिया। आज हम खेत तैयार कर रहे हैं, हमारे आलू लग जाएंगे। तो सुबह सुबह हस्बैंड जी ट्रैक्टर जोड़ के जा रहे हैं खेत में, बिना रोटी पानी खाए ये बोल रहे हैं रोटी तैयार कर ली और जल्दी आ जाइए। आज मोहन जाओगा बाहर क्योंकि उसके ताऊ को बुखार हो रहा है और बोले कि तुझे थोड़ा काम करवाना पड़ेगा, मैं अकेला हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करवा दूँगी। तो बोले जल्दी जल्दी बालक उठा दे, उनका पेपर है कल और फिर ट्यूशन पर जाना है बच्चा ने। तो अभी मैं जल्दी उठ कर, मैंने पापा की रोटी राटी बना दी थी, मैं दूध गर्म करूँ क्योंकि जो सविता दीदी रोटी बनाने वाली आएंगी वो थोड़ा लेट आएंगी। या मैंने सब्जी बनाई थी, आलू और जो तोरी के छिलके होते हैं वो पापा को बहुत पसंद है। इधर यहाँ पे यूपी साइड में बहुत बना करें वे तोरी की सब्जी के सूखे छिलके बहुत अच्छे होते हैं। तो बालक उठे नहीं थे, वह 8:15 का टाइम हो रहा था। पापा तो दुकान पर अपनी चले भी गए, खाना वाना खा कर ले कर सब काम निपट गया। और बड़का उठान आई हूँ मैं, इन कहना आई मैं उठ लो जल्दी जल्दी ना लो क्योंकि इनके पेपर की तैयारी चल रही है भाई। 8:30 बज गए, तो अब अपना भी काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ। फिर कह के गए थे बोले कि इतने जिम में भी जाना है और अपना काम निपटा ले, फिर अपने खेत में आना, थोड़ी देर काम करना है, चाहे ट्रैक्टर चला लिए चाहे अपने उस पर मैडे। किधर से बैठूं? गुड़िया आ जा, ड्रामे कितना बजे यार। ऐसा लग रहा है,
भाई यहाँ पे ना अक्षित के साथ लड़ाई हो गई थी मेरी, मैं इसको बोल रही थी कि जाके थोड़ा मोहन के साथ काम देख ले, मोहन जाएगा, गेट वेट बंद कर लिए क्योंकि मोहन ने जल्दी जाना था आज। तो फिर मैंने ट्रैक्टर रुकवाया, मानना तो है नहीं अक्षित, मुश्किल तो तारा ट्रैक्टर पे है। फिर मैंने ट्रैक्टर रुकवाया, मैंने काम खा लिया और मैंने ना मुँह ढक लेने दो, डाठा मार लूँ, धूल गणी जावे मुँह में, इस वजह से मैंने डाठा मारा। फिर थोड़ा देर मैंने चलाया ट्रैक्टर, भाई यहाँ पे ना गुड़िया व्लॉग बना रही थी तो मैंने इससे बोला कि बेटा थोड़ा सा व्लॉग बस शूट करके बैठ जा, क्योंकि आधा घंटा तो कम से कम लग गया था हमें खेत माने में। वहाँ तो छाँव में बैठ जा पेड़ के नीचे, फिर छाँव में बैठ गया सारा खेत का। और मैंने इनकी हेल्प कर दी थोड़ी, कुछ इन नभाया कुछ मैंने नभा दिया। तो अपने ड्राइविंग आने का कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए, इंसान ने कोई काम आता हो तो कदे ना कदे ज़रूर अपने घर में भी काम आ जाए है कि जो तरह वो अनुच्छेद और पत्र या लेटर वगैरह जो भी आएंगे, और उसके बाद वो क्या होता दूसरा प्रस्ताव क्या होता वो इनमें शाम को आके ना, अब फिर ट्यूशन जाओगे ठीक है, और ट्यूशन जाके जब शाम को आओगे ना सब चीजों को पूरा टेस्ट लूंगी। फिर ये मत कहना मम्मा मेरा ये रह गया, तेरे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट वार्निंग है ठीक है। और किस बात की लास्ट वार्निंग है बताना, इस बात की लास्ट वार्निंग है कि अब मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि आज इधर। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी, राम राम, गुड मॉर्निंग। और जो भी आप ये देख रहे हैं तो लो भाई बता दूं सभी को। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी, तो भाई स्वागत है रजिंद्राठी के ब्लॉग में। आप चल पड़े हैं जिम में, इसके अलावा अपने पास जब कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी रास्ता नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस है, काम करना है, हस्बैंड ने भी मन ने भी, बस ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ नहीं और। हाँ जी, हमने खेत खाद का काम निपटा कर मैं ट्रेडमिल चला रही थी, अभी जिम में आ गई थी, क्यों 11:30 बजे तक हमारा सारा काम निपट गया था। और उसके बाद फिर आज मैंने बहुत ट्रेडमिल चलाई 30 मिनट, और बहुत पसीना बहा लिया है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करनी है बहुत ज़्यादा, और मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, मेरे पास सही में टाइम बहुत कम है, और आखिरी दावा है मेरा ज़िंदगी का जो कि मैं लड़ना चाहती हूँ पूरे दिल और जान से। और आत्मा तो देखो मेरी जानती है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, और इसका फल मुझे बहुत जल्दी मिलेगा, और जितना सोचा भी नहीं था ना उतना मिलेगा। पर ये जो बुरा समय है ना, ये अभी बहुत मेरी परीक्षा ले रहा बहुत ज़्यादा। और बस क्या बता दूँ मैं आप सभी को, मुझे ये वीडियो शूट करते हुए बहुत रोना आ रहा है मुझे यहाँ पे, तो वीडियो में ओवर वॉइस करते हुए भी रोना ही आ रहा है। तो भाई मैंने ये देखा है, इंसान जितना मतलब ईमानदार होगा ना तो भगवान उसकी उतनी परीक्षा लेता है। तो खैर मैं हारने वाली तो नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैंने कभी कभी किसी के लिए छल नहीं करा, दिमाग में कभी किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं आता है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो बुरा क्यों होगा मेरा, बस मेरे अंदर ये कि यही एक अपने अंदर विश्वास है, और मेहनत करना मेरा काम है, बाकी भगवान का देना ना देना वो उनके हाथ में है, जैसे हालात में रखेंगे भाई वैसे में रहना पड़ेगा। और ये मेरा बुरा समय इतना बुरा चल रहा है कि मेरे पसीने में और मेरे आंसुओं में ये भी नहीं बता सकते मेरे आंसू कौन से हैं। तो यहाँ पर बैठ के मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, और कुछ सोच रही थी ऐसे ही कि इतनी मेहनत करने के बाद भी इंसान को कुछ फल नहीं मिलता, और बस लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं, पर जिस दिन कामयाब हो जाऊंगी उस दिन लोग सब कह देते हैं कि हमने इसका साथ दिया, ये किया वो किया। जब समय बुरा है ना तो कहते हैं ना घर भी खाने को दौड़ता है, तो ऐसे ही होता है। मैं इसीलिए जिम में आती हूँ क्योंकि जो मेरा टेंशन और दिमाग में जो कुछ चल रहा है डिप्रेशन वेप्रेशन में, घर पढ़ के ही क्या करूँगी, क्यों अपना टाइम बर्बाद किया, कम से कम जिम आके अपना पसीना बाउस उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए मैं जिम में आने लग गई हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग गई हूँ कि उनसे मैं बाहर निकलूँ, डिप्रेशन में बीमार ना हो जाऊँ। और मुझे मेरे अपने बच्चे पालने हैं, दोनों बच्चे देखने हैं, और हस्बैंड जी जो मेरा इतना सहारा बन रहे हैं तो उनको मैं अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सही रहूँ और बीमारी में पैसा ना बर्बाद करें,
कि ऐसा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊं और हस्बैंड जी पैसा बर्बाद करें बेचारे फिर मेरे ऊपर। तो हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करके आगे बढ़ूँ पर नाम मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड का हो। कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो बस आपको नहीं पता है मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा लाइफ में जिस दिन मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगी। चल दे छोड़ के मुझे तो यहाँ घेर के ले लूं, मुझे को पकड़ के ले गया फिर। हाँ तुझे पकड़ जा तो चल। सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वह आजाद रहना चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ना चाहते। मौसी माता की बहन, दादी पिता की माता, लक्ष्य उद्देश्य आदर सम्मान, बेचैन परेशान अद्भुत। हाँ जी मैं तो जिम में आ गई थी क्योंकि बच्चा का ट्यूशन का टाइम था। तो 4 बजे जब मैं सुबह जिम में आई थी तो उसके बाद फिर मैं जिम से गई थी 2 बजे। तो 2 घंटे मैंने घर पे जाके रेस्ट किया, उस टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की और खाना वाना खा के मैंने रेस्ट किया था। फिर बच्चों को लेके ट्यूशन दोबारा आ गई हूँ और हस्बैंड जी यहाँ खेत में खाद डाल रहे हैं क्योंकि आपने पता है खेत तैयार करना है। मोहन भी आ गया था, 4 बज गए थे, फिर दोनों ने मिलकर खाद डाला और मैं बच्चा ने लेकर ट्यूशन चली गई। भाई ट्यूशन पर टाइम जो है कम में मिल रहा है और बस ऐसे ही ज़िंदगी हो जाएगी गुजारा, दिन रात लगे पड़े हैं। ये खेत में भी काम करते हैं, डेयरी में भी देखते हैं, बाहर भीतर का भी बहुत काम हो जाता है हमारे आने जाने का भी और कुछ जिम्मेदारियां जो निभानी भी पड़ती हैं। तो भाई मैं तो अपना मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यही है बालक लाने ले जाने, पढ़ाना, घर में देखना घर में किस तरह काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा क्या नहीं, ये सब मेरी ज़िम्मेदारी है। बाकी हस्बैंड बाहर का देखते हैं और जब वो बिज़ी होते हैं तो मैं भी उनका साथ भी दे देती हूँ कभी कभी, जैसे आज खेत में काम करवा दिया। तो बच्चे ट्यूशन से आ गए, मैंने फिर से जिम करी, 1.5 घंटा सारा करा था क्योंकि ट्रेनर होती है ना तो इस टाइम पे फिर ट्रेनर अपने हिसाब से करवाती है और जब मैं सुबह करती हूँ तो मैं अपने हिसाब से ज़्यादा करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है एक्सरसाइज जो मैं अच्छे से कम्फर्टेबल होकर कर सकती हूँ। तो अभी यहाँ पर अक्षित ना इसके केले ले गए थे आज मैंने सुबह, मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे तो फिर इन्होंने वैसे ही दे दिए थे, ये जानकार या मतलब यहीं से लेके जाते हैं। तो अक्षित इनके पैसे देने चला गया था तो ये कह रहे थे कोई बात नहीं फिर आ जाते पैसे। तो भाई हम पैसे वैसे दे के चले, गाड़ी का भी जो है तेल बोल गया, फिर हमने सोचा तेल डलवा ले, मैं हस्बैंड जी को फ़ोन करा, ये बोले कि तुम तेल डलवा के लेके आओ उधर से मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो हमने फिर पहले यहाँ पे तेल डलवाया फिर घर जावा थे क्योंकि गाड़ी की येलो बत्ती बोल गई थी। हमने डलवाया जी 1500 का तेल और आधी से ऊपर टंकी हो गई है, 1500 के तेल में हमारा जिम का आने जाने का मतलब 1 हफ्ते का आराम तक खर्चा उठा लेगी। और घर जाकर फिर अपने भाई टाइम हो गया क्योंकि दोपहर में मैं ऐसा ही खाना खुना खाया है, थोड़े बहुत चावल वगैरह लिए थे मैंने, भूख लग रही थी। घर जाते ही पहले मैं नहाई और मैंने सविता दीदी को बोला मैं बढ़िया सा एक पराठा बना दे अपनी पसंद का खाना खाऊँगी। तो वो बोली कि मुझे तो नहीं आता वैसा जैसा आप कह रहे हो बनाने के लिए, फिर मैंने कहा ला मैं बनाऊंगी। तो ये लच्छा पराठा बना रही घी भर के क्योंकि देखो ज़िंदगी में जो चीज़ पसंद है ना इंसान ने चाहे वो कुछ भी हो, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं प्रोफेशनल या बिजनेस करते हैं तो इंसान को जो पसंद होता है वही करता है। तो मेरे लिए सबसे पहले आते खाने की चीज़ इंसान, मैं जिम करती हूँ जिम भले ही मैं 2 घंटे ज़्यादा कर लूँ पर पसंद का खाना खाऊँगी, एक खाऊं भले ही चाहिए। मैंने अब इसीलिए बोला है कि एक ही पराठा खाऊंगी और दूध लूंगी क्योंकि ना पता है मेरा कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं करती, मैंने सब कुछ खा कर देख लिया, जूस पीती हूँ जूस नहीं मेरे को डाइजेस्ट होता, वो भी मेरे लीवर पे बहुत असर करता है, कच्चे फल फ्रूट कुछ भी खाऊंगी ना वो भी मेरे को डाइजेस्ट नहीं होते और बहुत ज़्यादा मेरा पेट में दर्द रहता है और काफ़ी वाह जी वाह मज़ा आ गया। ये देखो फेस इतना पसीना बह बह के, फेस देख लो बिना मेकअप कितना भी मेकअप नहीं, कितना पतला हो गया यहाँ पे ना जाइयाँ हल्की सी वो ब्लैकनेस सी हो रही थी, जाइ भी नहीं हो रही थी मतलब हल्की सी यहाँ पे ऐसा लगता है टैनिंग सी हो गई थी, वो मेकअप करके यहाँ पे हल्का पाउडर लगाना पड़ता था, मज़ा आ गया मज़ा। देखा जिम का कितना फ़ायदा है जिम करने का। भाई मैं ना अपने दादा दादी की बहुत लाड ली थी और बड़ी पोती थी तो इस वजह से मेरी दादी मेरा बहुत लाड करा कर रही थी और मैं अपनी दादी के दौरे रहा करती थी, जैसे जब मेरे मम्मी पापा अलग भी हो गए थे ना तो भी मैं अपनी दादी के दौरे रहा करती थी। तो मेरी दादी ना बड़ा कटोरा जितना बड़ा भी मैंने रखा ना इससे भी बड़ा कटोरा था, वो दूध पिलाती थी और मलाई वाला, मैं उनको बोलती भी थी
कि दादी मैं मलाई वाला नहीं पीऊँगी, तो मेरे को बोलते थे मलाई वाला ही मिलेगा, छान के नहीं दूँगी, तो मेरे को आदत पड़ गई ऐसा ही दूध पीने की। तो यहाँ पे हो रहा हमारा डिनर, सब ने खाना खा लिया, मैंने तो पराठा खाया। हस्बैंड जी बोले कि तू है वो उल्टी हो रही है यहाँ पे, एक दिमाग रात ने पराठे खावे हैं। मैं खाऊँगी तो अपनी पसंद का ही, मैं जब तक जीऊँगी तो रहूँगी मजे में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हस्बैंड बेचारे दाल रोटी खा रहे, बोले हम तो सादा ही खा लेंगे। मैं कहा हाँ। हेलो फ्रेंड्स, तो भाई सबका ना आज मैं ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाई और थोड़ा ज़्यादा बिजी थी। कल ना बच्चों को डॉक्टर के लेके जाएंगे, उनके जो है ब्रेसल्स वो चेंज होंगे या टाइट होंगे, जो भी होता है महीने में एक बार जाना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ पे, तो वो उसके चक्कर में, और एग्ज़ाम है कल बच्चों का, तो थोड़ा सा इसलिए बिज़ी हो रही हूँ। और अभी बस घर पे भी थोड़ा सा पर्सनली भी थोड़े परेशान से हो रहे हैं, और गर्मी बहुत हो रही है, हस्बैंड जी बीमार हो रहे हैं, इनको जब का जुकाम बहुत लगा रहता है। तो भाई किसी ने पूछा था आपके हस्बैंड की आवाज़ साफ़ नहीं आती है, क्लियर नहीं आती है, तो मेरे हस्बैंड को ना नज़ला रहता है, ये हमेशा ही रहता है, मतलब कभी कभी ठीक हो जाता है, हंस रहे हैं, कभी कभी ठीक भी हो जाता है, जैसे ही अभी मतलब कहीं पे भी बाहर जाएंगे ना गर्मी से सर्दी में आ गए, तभी छींके ही छींके आने लग जाती हैं, और अभी दवाई लेके सो रहे हैं। एक तो फीवर हो रहा था काफ़ी, और इनके नाक में हड्डी बड़ी हुई यहाँ पे, आपने देखा भी होगा थोड़ी सी नाक ऐसे है, तो हड्डी बड़ी हुई है नाक की, तो इस वजह से ना वो जब बात करते हैं तो नाक में से आवाज़ आती है, तो ये अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि खुद का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाता है बेचारे, खुद अच्छा नहीं, आप लोग वैसे कमेंट करते हो तो खुद को अच्छा भी नहीं लगता है, पर खैर कमियां तो सब में ही होती हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, तो इनको तो एक तरह से नज़ले की बीमारी है, जो नाक की हड्डी बढ़ने की वजह से फिर आवाज़ में मतलब नाक में से आवाज़ आती है, और कुछ आपने पता है भैया यूपी वाले थोड़ा इस तरह ही बोल रहे, अगर साफ तरीके से बोलते नहीं आपने, मेरी आवाज़ तो सारी साफ़ आती होगी, भगवान ने दोनों बता किसी का तो गला साफ कर रखा है, तो मैं बतेरी बोलन खातर मैं ये बोलूँगी, इन्हें कोई ज़रूरत भी ना बोलन के, बेचारे अपने काम में सही मस्त हैं, परफेक्ट हैं, और क्या चाहिए बस। तो भाई मैं ये बोलूँ, वही बतेरा ही भागे थे, थोड़ा बहुत बोला करें थे वो भी ना बोलेंगे, क्योंकि कई ने कमेंट कर दिया कि आपके हस्बैंड की आवाज़ नहीं आती है, समझ में ही नहीं आता बोल रहे क्या है, हमें तो समझ में आता है क्योंकि हमें आदत पड़ रही है, आप सभी को इसलिए समझ में नहीं आता भाई, आप मतलब इस तरह बहुत दिन हो गए हमें रहते रहते इनके साथ, और स्टार्टिंग से आदत है, तो नाक की हड्डी बड़ी हुई, हमें पता भी है भाई क्या दिक्कत है इनके, तो नज़ले की शिकायत रहती है हर टाइम, ज्योति का भी यही दिक्कत रहा, आ गए ज्योति का तो थोड़ा पूना चलता रहा है, थोड़ा सा भी कुछ भी होगा गर्मी सर्दी बेचारी का नाक बहुत चलता रहा है, जैसे ही पसीना आवेगा, और कुछ दिक्कत नहीं है, बस बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ज्योति के बाल सफ़ेद होने लग गए नज़ले में, आजकल सब गए कम एज में यह दिक्कत आ रही है, तो भी और कुछ नहीं, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर दी एंड करूँगी, और कैसा लगा मेरा ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना सभी, आप सब इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके एक एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं, पर अभी ना बस कुछ भी नहीं बता सकती, कुछ भी कह ही नहीं सकती, मैं क्या बिज़ी हूँ, कहाँ मेरा दिमाग क्या हो रहा है क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, तो देखते हैं भाई कब तक आपके पास मेरी बात पहुँचेगी, कब तक क्या होगा, किसी दिन बड़ा धमाका होगा, बस बाय बाय एवरीवन, लव यू, कल बच्चों का एग्ज़ाम है इसलिए थोड़ा सा जल्दी दी एंड कर रही हूँ, उनको सुला के और फिर जल्दी उठेंगे बच्चे, तैयारी करवाऊँगी थोड़ा सा, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।